सब आइटम बैंड है, आप नहीं कर सकते कार्य। बिस्किट गोल्ड का बिस्किट या 50 ग्राम का बिस्किट है, बहुत मुश्किल है अभी इंडिया जाना। इतना रस है एयरपोर्ट पे अभी। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बथा मार्केट और ये आज अशरफ भाई का लास्ट शॉपिंग है क्योंकि अशरफ भाई जा रहे हैं फाइनल एग्जिट। तो ये अशरफ भाई कुछ सामान खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे और इंडिया जाने के लिए PCR टेस्ट भी जरूरी है, तो आज PCR टेस्ट भी कराना है और इनका फ्लाइट 5 तारीख को है। लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि फ्लाइट टिकट कैसे बुक होता है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, आई बटन में होगा। तो अशरफ भाई आपको और क्या काम है? और भी काम है, थोड़ा सा गोल्ड खरीदना है और इसके अलावा कार्गो में सामान थोड़ा ज्यादा हो गया, अब उसको कार्गो करने के लिए जा रहा है अलग से, तकरीबन 20-25 किलो कार्गो कर देंगे ताकि लगेज जो है ना ज्यादा नहीं हो। और इसके अलावा बैंक भी जाके पैसा भी छोड़ना है, इस तरह से सारा काम करते हुए उधर से वापस आना है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आज आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा। अगर आप सऊदी से जाते हैं फाइनल एग्जिट तो आपको क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी नॉर्मली स्पेशली अभी जो फ्लाइट का जो कंडीशन है उसमें आपको कोरोना टेस्ट चाहिए, जो कंडीशन टर्म एंड कंडीशन है फ्लाइट करने का वो सारा फॉलो करना है, जैसे PCR टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा नेट के थ्रू, पहले PCR टेस्ट होने के बाद, उसके बाद से वो PCR टेस्ट को ले जाकर ट्रैवल एजेंसी को देना होगा, वो उसके हिसाब से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करेगा नेट के थ्रू, तब जाके आपका टिकट कन्फर्म होगा। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस इंडिया जाने का। लोग सऊदी में बोलते हैं ग्रीन नहीं है, कितना ग्रीन है देखिए, ग्रीन ग्रीन है पूरा। ये कोट है, कोट है यहाँ का, इस तरफ भी है इसका एक पार्ट, इधर भी है, ये गेट है उसका देखिए, और ये है सऊदी का कोट है दूसरा पार्ट, रियाद का मेन हाई कोर्ट है समझिए, सुप्रीम कोर्ट इसी को कहते हैं यहाँ का। तो हम लोग अभी जा रहे हैं लुलु मार्केट, ये है लुलु का जो ताज सेंटर है, ये इसके अंदर लुलु है, बहुत सी मॉल है इसके अंदर, डे एंड डे है और बहुत सी मॉल सब है। तो कार पार्क करेंगे अभी लुलु के बेसमेंट में, सबसे सेफ प्लेस वही है कार पार्क करने का लुलु के अंदर, आपका गाड़ी सेफ रहेगा, बाहर पार्क करेंगे तो कभी नो एंट्री का कुछ का भी फाइन आ सकता है, नो पार्किंग का भी फाइन आ सकता है। अभी ये देखिए ये लुलु का पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. सामने मुझे लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है वो यहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ से चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है इसका। तो हम लोग वहाँ पे जूस पीने के लिए रुके, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पिए और जा रहे हैं।